एड सिरा का अभी जो करंट मेथड चल रहा है, जिसके अंदर हम $1 से लेके $5 तक डेली डायरेक्ट लिंक को यूज़ करते हुए बना रहे हैं, ये मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑलरेडी भी मैं पिछली वीडियो में आपको ये बता चुका था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोगों को USA, UK या किसी भी इंग्लिश बंदे की ID को जो है बाय करना है, ओल्ड ID 2010, 2011, 2012 की ID जो आपने लेनी है, और उसके साथ आपको रील्स यूज़ करनी है डायरेक्ट लिंक बनाते हुए। प्रैक्टिकली एक चीज़ मैंने आपके साथ ये करके भी दिखाई थी, सारा रेवेन्यू वहीं से हमें मिल रहा है डायरेक्ट लिंक से, और वहीं से जो है हम विड्रा भी कर रहे हैं इसी मेथड को यूज़ करते हुए। इसके अलावा हमने कोर्स भी डिज़ाइन किया है सिर्फ आप लोगों के लिए, जिन लोगों को बेसिक से लेके एडवांस तक, यानी जिनको अकाउंट तक नहीं बनाना आता है एडसेरा का, उनके लिए भी ये कोर्स है। और इसके साथ ये मोनेटैग भी इसके अंदर हमने कवर किया है, और गूगल एडसेंस को भी कवर किया है, यानी एडसेरा, मोनेटैग और गूगल एडसेंस, ये तीनों चीज़ें बेसिक से लेके एडवांस तक हमने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली साथ साथ हम अर्निंग भी कर रहे हैं और आपको साथ साथ सिखा भी रहे हैं। तो मामूली सी फीस है, अगर आप वो भी इनरोल करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का नंबर नीचे दिया गया है, आप लोग उस पर क्लिक करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो रेवेन्यू है एडसेरा डायरेक्ट लिंक से आप लोगों ने बनाना है, कैसे बनाना है, सिर्फ मोबाइल का यूज़ करना है और आप लोगों को फेसबुक का यूज़ करना है। आइए आपको मुकम्मल सिखाता हूँ, समझिएगा उसके बाद अमल करिएगा। यही मेथड जो भी वर्क कर रहा है, इसके अलावा कोई मेथड अभी वर्क नहीं कर रहा, आपको ये भी बता दूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट लिंक के लिए, ट्रैफिक लेने के लिए सबसे बेहतरीन मेथड यही है। मैंने आप लोगों को ये तो बताया हुआ है कि आप लोगों को फेसबुक की ओल्ड आईडीज चाहिए डायरेक्ट लिंक पे काम करने के लिए, जहाँ से हमने डायरेक्ट लिंक के जरिए अर्निंग जनरेट करनी है। तो यहाँ पर हमने एक फेसबुक ओल्ड आईडी ओपन किया जिसके 200 फ्रेंड है, आप देख सकते हैं। ये 200 फ्रेंड वाली मैंने जो आईडी नहीं ली थी, ये फ्रेश आईडी थी, मतलब उस पर फॉलोअर नहीं थे, थी ओल्ड, ठीक है। इस पर अगर मैं आपको लास्ट इसकी फोटो दिखाऊँ जब अपलोड की गई है, यहाँ पर तो देखिए 2020 की है, और 2020 से भी आई थिंक सो ये पुरानी होगी, ठीक है। 2020 से पहले तक ये पुरानी है, तो लेकिन आपको 2010 2005 की आईडीज भी मिल जाती है। अब यहाँ से मैंने इसकी सेटिंग कर दी कि लोगो चेंज कर दिया, इसका नेम वैसे मैंने चेंज नहीं कर दिया, मैंने इस आईडी को जो है ना हॉलीवुड बॉलीवुड एक्ट्रेस की इमेजेस के बारे में कन्वर्ट कर दिया। अब आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। कन्वर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, आपको 10-12 ग्रुप जो है ज्वाइन किए मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मैंने उनके अंदर जो है पोस्टिंग की, तो वहाँ से मुझे ये फ्रेंड मिलना शुरू हो गए, 200 फ्रेंड वहाँ पे मिल चुके हैं। अब जितने ज़्यादा फ्रेंड यहाँ पर आपके बनेंगे ना, ये आपको फ्रेंड नज़र आ रहे हैं, उतना आपको फायदा है, उतने समझ लें आपके फ्रेंड बन रहे हैं, उन तक आपकी पोस्ट तो जाए ही जाएगी, ठीक है। यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैंने जो है इंडियन जो है ग्रुप ज्वाइन किए थे एक्टर और एक्ट्रेस के, उसके अंदर मैंने पोस्टिंग की, उससे मिलती जुलती ये देखें आप यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। ये ग्रुप्स के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर आपको जो है ना ग्रुप नज़र आ जाएंगे सारे, ये देखें इंडियन ग्रुप्स जो है ना सारे मैंने यहाँ से ज्वाइन किए, तो इसके अंदर आप जो है ना पोस्टिंग कर सकते हैं, तो आपके जो है फ्रेंड इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ से। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है जी, आईडी आप लोगों ने ओपन कर लेनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, या तो आप किसी भी इंडियन जिस एक स्पेसिफिक को टारगेट करना है तब भी ठीक है, नहीं तो आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीपल जो इंडियंस हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, ड्रामा की एक्ट्रेस हैं, ठीक है, या किसी बॉयज़ का भी आप कर सकते हैं, उनके फैन फॉलोइंग अगर अच्छी है तो, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उनके इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, या फिर आप लोग जो है जिस तरह से मैंने ये इमेज इसकी डाउनलोड की है आलिया भट्ट की, आप लोग इस तरह से किसी भी इंडियन एक्टर की जो है ना फोटो गूगल से भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि यहाँ पर जो कमर्शियल यूज़ के लिए दी गई हों, जिन पर कोई कॉपीराइट का इशू ना हो, वो इमेजेस यहाँ से आप लोगों ने उठानी है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से गूगल से सिंपली सेव कर लेनी है, और यहाँ पर एक वेबसाइट है जो मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ, और आप लोग खुद भी जो है ट्रेंडिंग हैशटैग जो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जो आपको हैशटैग बताएगी ट्रेंड में जो फेसबुक पर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये देख ले हैशटैग जनरेटर एक वेबसाइट है, तो यहाँ से मैं आया हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैंने जो है इनको हैशटैग बताया, ये फेसबुक के बारे में बता रहे हैं कि आज जो मतलब डेली बेसिस पर ये अपडेट करते हैं कि कौन से डेली 24 घंटे के अंदर जो है हैशटैग वो वायरल हो रहे हैं। तो मैंने इनको कीवर्ड दिया यहाँ पर बॉलीवुड, ठीक है। तो बॉलीवुड के बारे में इन्होंने मुझे यहाँ पर जो है ना हैशटैग ये देखे बॉलीवुड मैंने लिखा और सर्च किया, तो इन्होंने मुझे यहाँ पर नीचे जो है वो उसके रिलेटेड हैशटैग बता दिए कि बॉलीवुड से मिलते जुलते ये वाले हैशटैग जो है आजकल चल रहे हैं। तो मैंने इन सबको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इमेज भी जो है वो डाउनलोड कर ली, और उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे आया, यहाँ पर मैंने लिखा टुडे बेस्ट एक्टर फोटो, और यहाँ पर मैंने सारे हैशटैग पेस्ट कर दिए नीचे, इमेज लगा के मैंने पोस्ट कर दिया अभी, ठीक है। अब 200 फ्रेंड तक तो ये जाए ही जाए, उसके बाद इसकी रीच जो है ज़्यादा होती जाएगी, और आप लोग इसके कमेंट्स के अंदर और आप लोग इसके टाइटल के अंदर यहाँ पर इमेज अपना जो है डायरेक्ट लिंक शॉर्ट कर सकते हैं। अब शॉर्ट करने के लिए किसी भी पॉपुलर आप लोगों ने शॉर्टनर का इस्तेमाल नहीं करना, ये याद रखिएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिंक शॉर्टनर। अब यहाँ पर आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि जो टॉप पे है ये वाला, इस पे इससे नहीं आप लोगों ने करना, आप लोगों ने क्या करना है एंड पे जाना है, जो जितना
लोगों को नहीं पता होगा उसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। यानी कि पहले www होता था, ठीक है, एक या www.s करके इस तरह से करके, ठीक है। तो ये पॉपुलर नहीं थे, तो अब ये ज़्यादा पॉपुलर हो गए। तो आप लोगों ने ऐसा शॉर्टनर ढूंढना है जो ज़्यादा पॉपुलर ना हो, किसी को ना पता हो, उसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। जैसे ये देखें कितने आ गए हैं, देखें क्लास स्ट्रीम करके या lumini.url, इस तरह के जो ज़्यादा पॉपुलर ना हो वहाँ से अपने अपना डायरेक्ट लिंक शॉर्ट करना है और इनके आगे लगा देना। लेकिन आप लोगों ने अगर 10 पोस्टें की हैं तो 10 में से 2 या 3 के साथ आप लोगों ने डायरेक्ट लिंक लगाना है, हर पोस्ट के साथ नहीं लगाना, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बता दूँ, तो ये आइडिया जो है इस पर हमने काम किया और इस पर हमने अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, ये आपको बता दूँ, ठीक है। ये रील्स वाला नहीं है, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको रील्स भी बताया था। और इसी तरह से आप लोग इन्हीं पोस्टों की, इन्हीं इमेजेस की, इसी आईडी के ऊपर आप रील्स बना के भी लगा सकते हैं और उनके कमेंट भी टाइटल के अंदर आप लगा सकते हैं अपना डायरेक्ट लिंक। लेकिन बात वही है कि आप लोगों ने ज़्यादा पॉपुलर जो है डायरेक्ट लिंक और लिंक शॉर्टनर वो यूज़ नहीं करना। होप सो कि आपको इस समय लगी होगी स्टेबलेस।